ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष सतो पुरुषार्थी और तमो पुरुषार्थी का अंतर बताया। बाबा कहे, सतो पुरुषार्थी रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हुए यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं। वो कभी कोई बात के लिए ये नहीं कहेंगे कि बाद में कर लेंगे। सात्विक मनोवृत्ति से पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन तमो पुरुषार्थी उसको कहा बाबा ने कि जो सोचते हैं, जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा, जैसे कल्प पहले मिला होगा वो मिल जाएगा, तो पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं देते हैं। बाबा कहे, ये शरीर एक अश्व है, घोड़ा है, और तुम्हें उसको सेवा में संपूर्ण रीति से लगाना है, रेस में लगाना है और पुरुषार्थ में नंबर वन बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। आज के मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमो पुरुषार्थी कौन? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह है जो कहते, कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल तुम देह अभिमानी रहते हो, इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है, देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं, यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। भक्ति मार्ग में हर कोई परमात्मा को याद करते हैं, परम पिता भी कहते हैं, लेकिन पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके। गाते तो है ना, ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े, न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं। बाबा कहे, मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं, तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था, और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले, रचता को ही भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो, किसका तमो होता है। तीन कैटेगरी बाबा ने बताई, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी है। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी उच्च प्रलब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते हैं कि फलाने ने विन किया, यहां भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना नहीं चाहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, हम जास्ती कुछ समझने नहीं चाहते हैं, न समझ सकते हैं, न किसी को समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है तो सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं, पूछते बाबा, याद करना सीखेंगे या वह भी नहीं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सन्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं, मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजा पिता नहीं कहेंगे, कोई भी मनुष्य आत्मा को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि है, प्रजा पिता ब्रह्मा रचता है। मुख वंशावली। हम आत्माएं तो है शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। उन्हों का ही बेहद के ड्रामा में पार्ट है, ये अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूं जरूर। किस लिए आता है, एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत धर्म प्रायलोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया है, जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया है। सच खंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। सच खंड स्थापन करने वाला एक सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, क्या जानते हो, कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाप समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है, अब ड्रामा का ये खेल पूरा होता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकरूर हो जाता है। दुनिया में भी कोई भी ड्रामा में एक्टर्स का पार्ट मुकरूर हो जाता है, अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ड्रामा का पार्ट बजाने के लिए, तो अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है,
नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे? अगर यहाँ नहीं बनेंगे तो बाबा के कहाँ बनाएंगे? पवित्र यहाँ ही बनना है। अब पांच तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुक्त हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज है। शुरू में बाबा इतने गहरे गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगलों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। इतना अनंत ज्ञान ज्ञान सागर में भरा है। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। ये गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन होगा। पढ़ाई पर अटेंशन होगा तो इन बातों को धारण करना सहज होगा। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा, फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं, मैं परमात्मा परमधाम में रहने वाला हूं, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परमधाम में रहने वाला परमात्मा वह फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है, परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउमीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। बाबा देखते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी शुक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं, इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्मेंद्रिय से विकार में चले जाते हैं। उसको बाबा ने कहा राहु का ग्रहण लगा। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहाचारी लग जाती है। शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे। बाबा कहे, अंदर से प्रण भी करते हैं, बाबा के सामने प्रॉमिस भी करते हैं, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा सब बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं, खबरदार रहना। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना,
क्योंकि रेस हॉर्स यानी घोड़ों की दौड़ है ना, ये रेस हॉर्स अर्थात घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे भविष्य 21 जन्म का सुख मिलता है, ये कोई कम बात है? भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहाचारी अथवा घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं बच्चों को कि बच्चे श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, क्या बता देते हैं, जितना रुस्तम यानी पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। ये बाबा पहले से ही सावधान कर देते हैं, खबरदार रहना। कर्मेंद्रिय द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरीय औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है, ये संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा न आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रदान होना ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया, शिव बाबा मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है, शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, पुजारी अवस्था में द्वापर के आरंभ में भी कितना धन रहता है जो इतने मंदिर बनाए हैं, तो पूज्यपन में कितना न धन होगा। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे, भला इतना सोना आएगा कहां से। कई लोगों को भी ये प्रश्न आता है, फिर इतना सोना आएगा कहां से सतयुग के लिए। वहां सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गर्माइश होती है तो फटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है ना। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर का खेल में दिखाते हैं, तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। माया मच्छंदर का खेल में दिखाते हैं कि जब संदेशियां सूक्ष्म वतन में गई तो वहां उन्होंने सोने की ईंटें देखी, समझा ले जाएंगे। आंख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहां भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना, कौन सा गीत बजा आज सुबह आरंभ में, दुखियों पर कुछ रहम करो माए बाप हमारे। बाप का नाम ही है ब्लिसफुल, ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता, नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है। जिनका कल्प पहले खुला है उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि ये अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा, उनकी पहली रचना है ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मण है चोटी, जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शिव शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणियां है। बाबा कहे शक्ति सेना में ब्राह्मण ब्राह्मणियां है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूं,
मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। सतगुरु शिव बाबा की ये गारंटी है, मैं साथ जरूर ले जाऊंगा। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई को दे कोई को न दे। वर्षा कोई को दे कोई को न दे सुख शांति का, नहीं, बाप के तो सभी बच्चे हैं। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है, गति सदगति देना ये तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रिय द्वारा नहीं करना है, संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान योग में तीखा बनना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर कोई भी ग्रहाचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है, उल्टी मत पर नहीं चलना है, खबरदार रह याद की रेस करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योगयुक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है, तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। और एक बाप से दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी, कर्म योगी सो निरंतर योगी। आज का स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।